नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि जो स्कूल और कोचिंग खुलने वाले थे अब वो नहीं खुलेंगे, क्योंकि ये जो बातें लागू की गई है ये कोरोना के दृष्टिकोण से लागू की गई है। आपको बता दें कि जिन लोगों ने ये सोचा था कि अब स्कूल और कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे, अब उन पे पूर्ण विराम लग चुका है, अब वो शायद नहीं खुलेंगे। इसको लेकर खुद राजनीतिक पार्टियों में भी घमासान छिड़ी हुई है। क्या कुछ इस पे जानकारियां निकलकर आ रही है, इस पे ताजा जानकारी के लिए हम चलेंगे अपने सहयोगी राकेश जी के पास। जी, क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं आपको? देखो आरती, अभी तक की जो ये बड़ी खबर है, जो कोचिंग संस्थान और स्कूल है वो फिलहाल अभी नहीं खुलेंगे। शिक्षा मंत्री ने दो टूक कह दिया है कि कोचिंग संस्थान और स्कूल हम अभी इसलिए नहीं खोलेंगे कि बच्चों में कोरोना संक्रमण फैलने का डर है। कोरोना का उनका कहना है कि ट्रेंड बदल रहा है, दिल्ली में फिर लगातार मरीज मिल रहे हैं, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, और ऐसे में अगर स्कूलों में कोरोना फैलता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? साफ तौर पे अगर सरकार जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही होगी। अगर किसी बच्चे को कोरोना होता है तो सरकार की जवाबदेही होगी, क्योंकि ऑर्डर सरकार का होगा, सरकार ये आदेश देगी कि स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलना है। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि स्कूल संचालक और कोचिंग संस्थान वाले चाहे जितना चिल्लाए, अभी हम स्कूल और कोचिंग खोलने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ जो एनडीए के घटक हैं, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसके सुप्रीमो हैं जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जीतन राम मांझी जी ने आज ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल और कोचिंग संस्थान को खोलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, लगभग 5 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। उनके ट्वीट के बाद ही अशोक चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं अभी, एक ये बड़ा बयान आया है। और आरती बता दूं कि आज ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है, मेरी जो जानकारी है उसमें आज ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है, तो शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे चीजों को सामान्य तरीके से हम लोग चलाएं, कैसे स्कूल वालों की जो समस्या है उस पर भी हम विचार करेंगे। जो स्कूल वाले हैं, जो चिल्ड्रेन वेलफेयर, स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन है जिसके अध्यक्ष हैं समायल अहमद, अभी पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि हर हाल में हम लोग 2 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। तो एक तरफ वो अड़े हुए हैं स्कूल खुलने पर, जो एसोसिएशन है प्राइवेट स्कूलों का, और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री एकदम सख्त हैं कि ना सरकारी स्कूल खुलेंगे और ना प्राइवेट स्कूल खुलेंगे। हम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में देख रहे हैं, आर्थिक सहायता जो स्कूल वाले मांग रहे हैं उस पर भी आज मंत्री ने एतराज जताई और भर के बोले कि जितने भी लोग हैं कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कोरोना के कारण प्रभावित ना हुआ हो, सबकी आर्थिक स्थिति पे असर पड़ा है, तो स्कूल वाले अगर चाहें तो वो इसको लेकर जो वो फीस ले रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई के तरीके से ले रहे हैं, बहुत सारी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं और फीस भी वसूले जा रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई आप अपने शिक्षकों को लेकर साथ चल सकते हैं। जब आप कमाई कर रहे थे कोरोना से पहले, जब आप लगातार बच्चों को पढ़ा रहे थे, तरह तरह के फीस वसूल रहे थे, तब तो आप सरकार अधिक टैक्स नहीं दिए, सरकार आपसे मांगने नहीं गई कि आप अधिक टैक्स दीजिए, आप क्यों इतना कमा रहे हैं, और अब जब कुछ दिनों के लिए स्थिति खराब हुई है, उनका कहना कि भाई सबकी स्थिति खराब है, सिर्फ स्कूल वाले ही प्रभावित नहीं है और कोचिंग वाले ही प्रभावित नहीं है, तो क्यों आप आर्थिक पैकेज और आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं, जबकि आप ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे आप फीस भी वसूल रहे हैं। आप सामंजस्य बैठा के चल सकते हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके टीचर हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनको लेकर आप चल सकते हैं। ये जो डिमांड है ये बिल्कुल गलत है, इस पर भी उन्होंने एतराज जताया है। सबसे बड़ी बात जो है वो एनडीए के ही दो घटक जो दल है, ये जेडीयू के अशोक चौधरी हैं और हम जो सरकार में शामिल है जीतन राम मांझी, तो एक तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि स्कूल खुले, सरकार को उनकी अपील है, उनकी प्रार्थना है कि भाई कोरोना गाइडलाइन को आप देखते हुए स्कूल चलाएं। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री बिल्कुल सख्त है कि नहीं, हम स्कूल नहीं खोलेंगे, हम बच्चों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, अगर कुछ हुआ तो सरकार जवाब देगी।
फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो अब देखना है कि क्या क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में आज क्या कुछ होता है, क्या स्कूल वाले स्कूल खोलने पर अड़ेंगे या फिर सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा, कोई तीसरा रास्ता निकलना पड़ेगा। तो आज भी थोड़ा सा हम लोग को वेट कर लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे यह तय हो चुका है। तो देखा आपने, मतलब बिल्कुल साफ है कि अभी भी स्कूल नहीं खोले जाएंगे और कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कदम उठाए गए हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी सरकार के इस गाइडलाइन का पूरा पालन करें और घर में ही रह के, क्योंकि सरकार ने तो ये भी सुविधा दी है कि ऑनलाइन पढ़ाइयां हो रही है, तो ऑनलाइन पढ़ाइयां हो रही है तो घर में रहें, सेफ रहें और ऑनलाइन पढ़ाइयों का फायदा उठाएं, क्योंकि स्कूल जाने की फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है और कोरोना से बचना इस बार सबसे ज्यादा अहम बात होगी। तो आपको बता दें कि फिलहाल गाइडलाइन आने के बाद सारी बातें साफ हो जाएगी और फिलहाल जो भी आएगा वो सबके लिए मान्य होगा। फिलहाल ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहे NBC 24 के साथ और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। NBC 24, सच की ताकत।